आइए आज हम अपने बी का एक नया अध्याय स्टार्ट करते हैं जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और जो है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यावसायिक वित्त के स्रोत अभी तक हमने व्यवसाय को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है और उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिस मुद्दे को समझने वाले हैं उसे हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा व्यवसाय है इसको अगर हम बॉडी मान लें तो वो उसका रक्त है या उसका श्वास है ऑक्सीजन है उसके लिए जिस तरीके से एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रक्त की ज़रूरत होती है वैसे ही इस व्यवसाय को या एक बॉडी मान लें अगर हम जैसे कि मैं बात कर रही हूँ तो उस व्यवसाय को रक्त के रूप में या ऑक्सीजन के रूप में इस फंड या बिजनेस में को जो है वो फाइनेंस या फिर हम कह सकते हैं वित्त की ज़रूरत होती है कैसे ज़रूरत होती है हम छोटे छोटे उदाहरणों से समझ सकते हैं अब चाहे हम बिजनेस बड़ा ही क्यों ना कर रहे हों या छोटा ही क्यों ना कर रहे हैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर मान लीजिए मुझे ही कोई बिजनेस करना है मुझे एक पेन का बिज़नेस करना है मुझे पेन सेल करना है ठीक है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा पेन का बिज़नेस करने के लिए मुझे वित्त की आवश्यकता है वित्त की आवश्यकता क्यों है अब या तो मैं शॉप डालूँगी और शॉप में क्या डालूँगी वहाँ पे जो मैंने जिस वस्तु का बिज़नेस करने का सोचा है उन वस्तुओं को अरेंज करूँ उसके साथ साथ बहुत सी और भी चीज़ें लगती हैं जो शॉप के लिए शेल्फ्स हैं लाइटिंग है तो इन सब में वित्त की आवश्यकता होगी अब ये शॉप कहाँ डालूंगी वो एरिया कौन सा होगा वहाँ मुझे शॉप मिलेगी नहीं मिलेगी ठीक है यहाँ से हमें वित्त की आवश्यकता महसूस हो रही है अब कहीं से मैंने अरेंज कर लिया कुछ वित्त मेरे पास था कुछ मैंने लोन ले लिया बैंक से तो चलो मैंने स्टार्ट कर दिया अब अपना बिजनेस पेन का बिजनेस है या मान लीजिए एक श्रृंगार की दुकान ही खोल ली अब वो चल पड़ी है अब क्या मुझे वित्त की आवश्यकता जो थी वो वो यहाँ पर मेरी वित्त की आवश्यकता समाप्त हो गई है बिल्कुल नहीं अभी तो मैंने छोटा सा ही एक उदाहरण लिया है छोटा सा ही बिज़नेस ओपन किया लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ नई नई चीज़ें भी लानी पड़ेंगी ठीक है अब इतने से मैं काम नहीं चलने वाला है क्योंकि मुझे थोड़े अपने छोटे से व्यवसाय को थोड़ा सा बड़ा करना है मुझे बहुत सारी और भी चीज़ें लानी पड़ेंगी अब उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है और साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को जो मैंने शॉप में बिजली के लिए ये सारी चीज़ें लगाई हैं शेल्फ़ लगाई हैं अपने शॉप को हो सकता है मैंने क्लीन करने के लिए कोई मेड रखी हो या उसको क्लीन करने के लिए मैं जिन चीज़ों को इस्तेमाल कर उन्हें मुझे ख़रीदना ऐसे बहुत सारी चीज़ें साथ ही साथ में जिन वस्तुओं का बिज़नेस कर रही हूँ उन वस्तुओं को अरेंज करना है ऑर्गेनाइज करना है जैसे मैंने कहा मैंने एक पेन शॉप शुरू की या फिर मैंने श्रृंगार की दुकान ओपन की तो कुछ भी बिज़नेस करने के लिए मुझे जो मटेरियल चाहिए जो प्रोडक्ट मुझे सेल करना है उसको अरेंज करने के लिए भी और साथ ही साथ अपने जो बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे फिर से वित्त की आवश्यकता है तो मुझे कहाँ विनियोग करने से ज़्यादा वित्त मिलेगा है ना या मेरे वित्त में बढ़ोतरी होगी जिससे कि मैं ये जो अपने व्यवसाय में अलग से जो खर्च आ रहे हैं उनको इनसे निकाल सकूँ तो ऐसे बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिसके लिए वित्त की आवश्यकता होती है ये तो मैंने छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया आपको अगर हम बड़े बिजनेस की बात करें जैसे कि आप देखते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स क्या आपको लगता है कि एक छोटी सी रकम में या वित्त की आवश्यकता जो है केवल प्रारंभ में ही उनको पड़ती होगी बिल्कुल नहीं जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ या समझाना चाह रही हूँ कि जो वित्त की आवश्यकता है वो क्यों है और साथ ही साथ वो कब कब पढ़ रही है जैसे कि अभी तक आपने समझा है कि वित्त जो है वो किसी भी व्यवसाय के लिए एक रक्त का कार्य करता है एक ऑक्सीजन का कार्य करता है जो उसके जीवित रहने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हम देखें तो ये वित्त है वर्तमान समय में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी व्यवसाय को सफल होना है तो दो प्रमुख बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहली बात ये होती है कि पर्याप्त वित्त कहाँ से उपलब्ध किया जाए और साथ साथ अब जब वित्त उपलब्ध हो गया है तो इसका प्रभावपूर्ण प्रबंध या उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए सही बात है क्योंकि हर चीज में मैनेजमेंट की जरूरत है बिना मैनेजमेंट के बहुत सारी चीजें वेस्ट हो जाती हैं ना प्लानिंग प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए और प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सो so, यहाँ से वित्त की आवश्यकता हमने देखी और वित्त को समझने की कोशिश करी कि भाई वित्त बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हम फंड कह सकते हैं रोकड़ा कह सकते हैं मनी कह सकते हैं कोश कह सकते हैं इनको अलग अलग शब्दों से इनका नामकरण कर सकते हैं इनको समझ सकते हैं और सबसे सिंपल भाषा में हम इस तरह समझ सकते हैं कि वित्त वह जीवनदायनी द्रव्य है या वह ऑक्सीजन है जो एक व्यवसाय को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम करता है आइए इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका अगला बिंदु क्या कहता है अगला बिंदु है व्यावसायिक वित्त का अर्थ जैसे कि व्यावसायिक वित्त को अभी तक हमने समझा है इसको और डिटेल में थोड़ा समझेंगे और व्यावसायिक वित्त के अर्थ को समझेंगे तो व्यवसाय में जब हम निवेश करते हैं ठीक है या हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में निवेश किए गए पूंजी कोषों और साख कोषों को अगर हम समझें तो ये व्यावसायिक वित्त को हम देख सकते हैं इस रूप में अभी पूंजी कोष क्या होता है और कोष क्या होता है पूंजी कोष को हम इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल फंड और साक कोष को हम कहते हैं क्रेडिट फंड तो ये दो प्रकार के फंड या कोष हमको पूंजी के लिए आवश्यक होते हैं अब सबसे बड़ी बात है कि ये व्यावसायिक वित्त का कार्य क्या है जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक छोटे से फॉर्मेट में बताया था कि जो दो प्रमुख तत्व बताए थे मैंने आपको तो प्रमुख तत्व मैंने बताए थे कि पर्याप्त वित्त साधनों को कहाँ से उपलब्ध कराया जाए और उपलब्ध हुए जो वित्त है उनको किस तरीके से हम उसका प्रभावपूर्ण प्रबंध कर सके ठीक है अब हम देख रहे हैं हमने वित्त के कार्यों को जानना है व्यावसायिक वित्त का अर्थ हमने समझ लिया अब उनके कार्यों को हमको जानना है तो अगर हम उनके कार्यों को देखें तो उनके कार्यों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहला कहता है कि आवश्यक पूंजी का अनुमान लगाना बिल्कुल सही बात है मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या किसी एक्स को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसे ये पता रहना चाहिए कि व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले उसे कितनी पूंजी की आवश्यकता है अब एक्यूरेट तो नहीं होगा लेकिन अनुमान उसे एक अप्रॉक्स फिगर पता होना चाहिए कि नहीं भाई हमको इतनी आवश्यकता है इतने में हमारा लगभग लगभग काम निकल जाएगा दूसरी चीज़ होती है कि अब जो हमने एक फिगर कैलकुलेट किया है या एक अनुमान लगाया कि नहीं भाई हमें इतने कोषों की आवश्यकता है इतनी पूंजी की आवश्यकता है अब ये पूंजी उपलब्ध कहाँ से कराई जाए ये सबसे बड़ा सवाल है तो देखिए इसमें दो उत्तर आपको प्राप्त हो सकते हैं पहला उत्तर है कि व्यवसायी स्वयं अपने पास का फंड लगाए ठीक है जिसे वो कैपिटल फंड कह सकता है खुद का कोष कह सकता है स्वयं का कोष कह सकता है ठीक है या स्वामित्व कोष कह सकता है और दूसरी चीज़ होती है वो क्या करे बोरो कर ले कहाँ से बोरो करेगा बैंक से बोरो करेगा ठीक है तो इस प्रकार से दो तरीके से ये पूंजी उपलब्ध कराई जा सकती है तीसरा कार्य क्या है कि पूंजी का विवेकपूर्ण उपयोग अब पूंजी प्राप्त हो गई है अब पूंजी का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए अब कहाँ क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है कहाँ निवेश करना है कहाँ विनियोग करना है इन सबकी जानकारी एक व्यवसाय को उत्तम रूप से होनी चाहिए और उसकी प्लानिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि जब फंड कितना चाहिए वो उसने डिसाइड कर लिया उसी समय उसको ये भी प्लान कर लेना है कि जब फंड अरेंज हो जाएगा मतलब उसे जब फंड मिल जाएगा तो फंड को किस किस तरीके से वो बांटेगा और कहाँ कहाँ विनियोग करेगा है ना निवेश करेगा ठीक है तो वो प्रॉपर प्लानिंग के तहत तहत जो है वित्त को इस्तेमाल करना आना चाहिए तो इस तरीके से हमने देखा है कि इन शॉर्ट वित्त के कार्य क्या हैं अगर हम वित्त की या व्यावसायिक वित्त की परिभाषाएं देखें तो आइए देखते हैं आपकी स्क्रीन पर कुछ परिभाषाओं को और व्यावसायिक वित्त को और अच्छे तरीके से जानने और समझने की कोशिश करते हैं व्यावसायिक वित्त की परिभाषाएं देखें तो पहली परिभाषा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सर गुडमैन एंड डगल के अनुसार है उनके अनुसार जो व्यावसायिक वित्त का संबंध ऐसी गतिविधियों से है जो प्रयुक्त कोषों के नियोजन एकत्रीकरण नियंत्रण एवं प्रशासन से जुड़ी है। बिल्कुल नियोजन मतलब प्लानिंग होता है एकत्रीकरण मतलब ऑर्गेनाइजिंग होता है नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग होता है एंड प्रशासन यानी उसको आ, रूल या रेगुलेट करना होता है तो कुल मिला के यहाँ पे जो वित्त है उसको पूरा अच्छी तरीके से मैनेज करना किस तरीके से हम बात कर रहे हैं सर गुडमैन एंड डगल के अनुसार जो परिभाषा दी गई है उसका अर्थ अगर हम ऐसे ही निकालें तो इन सारे कार्यों को करते हुए किस तरह वित्त का उपयोग किया जाए ये वित्त की एक परिभाषा मानी जा सकती है अगली परिभाषा की ओर बढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं अगली परिभाषा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो प्रोफेसर आर सी ओसवान ने दी है उनके अनुसार वित्त कार्य कोषों को प्राप्त करने तथा उपयोग करने की प्रक्रिया बिल्कुल सही बात है जो अभी तक हम चर्चा करते आ रहे हैं कि वित्त क्या है कार्य कोषों को क्या प्राप्त करने की और उपयोग करने की प्रक्रिया है है ना कि हम कहाँ से उसको प्राप्त करेंगे और किस तरीके से उसका अच्छी तरीके से उपयोग करेंगे आगे बढ़ते हैं अगली परिभाषा की ओर और, और जानने की कोशिश करते हैं कि व्यावसायिक वित्त क्या है डिटेल में जानेंगे और अच्छे से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि यही वित्त व्यवसाय का रक्त या ऑक्सीजन होता है आइए देखते हैं अगली परिभाषा अगली परिभाषा कहती है जो कि डॉक्टर जे एल मसी ने दी है उनके अनुसार वित्त कार्य व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल संचालन के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होती है तो अब हमने तीनों जो डेफिनेशंस हैं या परिभाषाएं हैं उनको पढ़ ली है जान ली है समझ ली है आइए इसका निष्कर्ष निकालते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में वित्त क्या है वित्त वही है जो एक व्यवसाय को चलाने के लिए बहुत आवश्यक है ये कब से आवश्यक है ये व्यवसाय के प्रारंभ से उसके सुचारू रूप से विकास एवं विस्तार तक आवश्यक है तो अगर हमने वित्त के कार्यों को जिस तरीके से जाना है तो उसको हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि जो वित्त की आवश्यकता होती है वो आवश्यक पूंजी के अनुमान लगाने से पूंजी का प्रबंध करने से और पूंजी का विवेक पूर्ण उपयोग करने तक चलती है तो बच्चों इस तरीके से हमने व्यावसायिक वित्त को जाना है और साथ ही साथ उनको अलग अलग परिभाषाओं के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया है व्यावसायिक वित्त को हमने समझ लिया अब उसका अर्थ भी जान लिया है उसकी परिभाषाएं भी जान ली हैं और उसकी आवश्यकता क्यों है ये भी जान लिया है लेकिन अब हम उसकी प्रकृति और विशेषताओं के बारे में एक छोटी सी चर्चा करेंगे कि उसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर कुछ बिंदु पहला बिंदु कहता है यह सभी प्रकार की व्यवसायों के लिए आवश्यक है बिल्कुल सही बात है हर प्रकार का व्यवसाय चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो वैसे अगर हम व्यवसाय को देखें तो यह दो भागों में वक्त होता है पहला भाग जो होता है निर्माणी दूसरा होता है ट्रेडिंग है ना निर्माणिया तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पर चीज़ें बनती हैं मैन्युफैक्चर होती हैं ठीक है और ट्रेडिंग जहाँ पर इन वस्तुओं को सेल किया जाता है बेचा जाता है हम मान सकते हैं तो यहाँ पे दो प्रकार के हम बिजनेस की बात कर रहे हैं निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे ट्रेडिंग की तो दोनों ही में किसकी आवश्यकता होती है हमें पूंजी की आवश्यकता होती है या वित्त की आवश्यकता होती है अगले बिंदु को देखते हैं अगला बिंदु कहता है इसकी मात्रा व्यवसाय के आकार पर निर्भर करती है बिल्कुल सही बात है अगर मैं छोटा सा एक बिजनेस चलाऊं ठीक है तो मुझे कम वित्त की आवश्यकता पड़ेगी है ना बट ऑब्वियस लेकिन अगर मैं किसी बड़े व्यवसाय की कल्पना करूं और उसको रन करना चाहूं है ना चलाना चाहूं तो मुझे ज़्यादा वित्त की आवश्यकता होगी तो बिल्कुल सही बात है कि जो इसकी मात्रा है यानी वित्त की मात्रा है वह व्यवसाय के आकार पर निर्भर करती है साइज ऑफ द बिजनेस ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके सभी प्रकार की पूंजी सम्मिलित होती है बिल्कुल सही बात है इसमें सारी प्रकार की पूंजी अब कौन कौन से हैं? पहला तो स्वामित्व होता है और दूसरा ऋण अब स्वामित्व को हम क्या बोलते हैं ओनर फंड और ऋण को क्या बोलते हैं बोरोड फंड आप लोग अच्छे तरीके जानते हैं इन शब्दों से वाकिफ हैं लेकिन हम इसको और डिटेल में आगे जा कर के पढ़ेंगे इसी चैप्टर में सो अभी यहीं इसको स्टॉप करते हैं और ये समझते हैं कि भाई यहाँ पे सभी प्रकार की पूंजी सम्मिलित है कि अब व्यवसाय को चलाना है तो अगर ओनर के पास अपना फंड है यानी स्वामी के पास खुद का फंड है तो उससे हम स्वामी वाला फंड कह सकते हैं या स्वामी पूंजी कह सकते हैं स्वामी की पूंजी कह सकते हैं और अगर आ, फंड की कमी हो रही या फंड नहीं तो हम वो फंड कहाँ से अरेंज करेंगे या कोष कहाँ से हम पाएंगे ऋण लेंगे उसको तो हम उसको ऋण ऋण पूंजी के अंतर्गत ले लेंगे तो इन तरी इस तरीके से हम आ, जो वित्त है उसको दो प्रकार की पूंजियों में डिवाइड करते हैं या विभाजित करते हैं आगे बढ़ते हैं अगला बिंदु कह रहा है कि इसकी प्रकृति बदलती रहने की होती है बिल्कुल सही बात है जो व्यवसायिक वित्त है उसकी प्रकृति बदलती रहती है कैसे बदलती रहती है व्यवसाय के स्तर से बदलती रहती है मांग है ना डिमांड एंड सप्लाई जैसे कि आप जानते हैं कि अगर मांग बढ़ रही है तो अत्यधिक उसका डिमांड बढ़ गया है ना डिमांड बढ़ गई है मतलब आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा अगर प्रोडक्शन यूनिट है तो ठीक है या ट्रेडिंग यूनिट है तो आपको प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ज़्यादा उपलब्ध करानी पड़ेगी उनको तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको उन चीज़ों को अरेंज करना पड़ेगा उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा उन चीज़ों को अपने पास स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा तो इन सभी चीज़ों के लिए किसकी आवश्यकता होगी इन सभी चीज़ों के लिए वित्त की आवश्यकता होगी साथ ही साथ अगर मुद्रास्फीति की दर को भी देखें तो उस सिचुएशन

छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करूंगी है ना और जैसे जैसे मेरे पास फंड आता जाएगा मेरे पास पूंजी आती जाएगी अगर मैं अपने क्या बिज़नेस को या व्यवसाय को बढ़ाना चाहूं तो फिर मैं उसको और बढ़ाने लग जाऊंगी ठीक है अब ये डिपेंड करता है कि मेरे पास कितना फ़ंड है अगर मैं बिज़नेस चालू करना चाह रही हूँ तो तो अगर मेरे पास ज़्यादा फ़ंड है और मैं बड़ा बिजनेस चालू करना चाह रही हूँ तो बिल्कुल अगर मेरे पास ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ मैं अरेंज कर लेती हूँ मेरे पास खुद का भी पैसा है मैंने बैंक से भी लोन ले दिया ले लिया है बैंक ने भी मुझे दे दिया मेरे पास बहुत सारे पैसा है तो मैं बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ तो इट डिपेंड्स <saad> कि मेरे पास कितना फंड है मेरे पास कितनी कितना वित्त है मेरे पास कितनी पूंजी है है ना तो वही बात ये बता रहा है ये बिंदु आगे बढ़ते हैं और अगले बिंदु को देखते हैं कि यह है विस्तृत मध है तो जो वित्त होता है एक विस्तृत मध होता है क्यों क्योंकि पूंजी का जो अनुमान लगाना होता है पूंजी को प्राप्त कहाँ से करे वो उसका पता करना होता है और ये जो प्राप्त पूंजी है उसका उचित विनियोग और निवेश कहाँ किया जाए ये भी पता करना होता है तो हम इसे कह सकते हैं कि यह जो है एक विस्तृत मध है ठीक है तो इस तरीके से हमने व्यावसायिक वित्त की प्रकृति और साथ साथ उसकी विशेषताओं को जाना है आगे बढ़ते हैं और अगले एक आ, टॉपिक को देखते हैं इसी में जो कहता है कि वित्त का महत्व बिल्कुल इम्पॉर्टेंट आपके रोज़मर्रा के जीवन में अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ कि आपके लाइफ में पैसों का क्या महत्व है बिल्कुल सही आप कहोगे कि घर से बाहर निकलना है तो पैसों की आवश्यकता है? है ना या घर में कुछ चीज़ की भी कमी हो जाए तो पैसों की आवश्यकता है तो अगर हम व्यावसायिक तौर पर इसकी बात करें तो हर पल पल पर या हर एक कदम रखने के लिए व्यवसाय में हर एक कदम बढ़ाने के लिए हमें वित्त की आवश्यकता है आइए इसके महत्व को हम डिटेल में जानते हैं समझते हैं कि वित्त का व्यवसाय में क्या महत्व है कुछ बिंदुओं के माध्यम से जो कि बिंदु आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं पहला बिंदु कहता है यह व्यवसाय की स्थापना के लिए आवश्यक है बिल्कुल सही बात है कि जो वित्त होता है वो व्यवसाय की स्थापना के लिए आवश्यक है जैसे मैंने आपको एक उदाहरण से समझाया था कि मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें लगेगी सबसे पहली बात मैं बिजनेस स्टार्ट करना कहाँ चाहती हूँ अगर मेरा छोटा सा दुकान मैं ले रही हूँ तो मैं मुझे दुकान कहाँ उपलब्ध होगी कितने में उपलब्ध होगी है ना रेंट पे लेना है तो कितना रेंट लगेगा ठीक है किराया नामा अगर मैं किसी शॉप को ख़रीदना चाहती हूँ क्या मेरे पास उतना फ़ंड है ठीक है उसके बाद उस दुकान में मैं किस प्रकार का बिजनेस करूँगी मान लो मैं श्रृंगार के सामान की बात की तो क्या उतना फ़ंड है कि मैं एक आ, मतलब आ, लिमिटेड में भी अपने पास वैरायटी रख सकूँ जिससे कस्टमर मेरे पास आ सके तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यवसाय की स्थापना के लिए है ना वित्त की आवश्यकता होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है कि आप उसमें लाइटिंग्स लगाएंगे शेल्फ़ लगाएंगे ठीक है आजकल गूगल पे भी बहुत सारे रिसोर्सेस रखने पड़ते हैं कि आपको अलग अलग चीज़ें रखनी पड़ती है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ताकि आप इजीली पेमेंट भी ले सकें तो बहुत सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी जिसमें आपको कहीं ना कहीं वित्त लगता ही है ठीक है वो जो कार्ड की बात कर रही मैं गूगल डैशबोर्ड कार्ड की और साथ ही आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखने पड़ेंगे वैरायटी रखनी पड़ेगी कस्टमर आए तो ये बात हुई कि आप किस तरीके से अपने व्यवसाय की स्थापना कर रहे हैं मैं एक छोटे लेवल पे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ यही इसको आप बड़े लेवल पे इमेजिन करिए कि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की अगर आ, सोच रही हूँ तो मुझे कितना बड़ा लैंड लगेगा ठीक है उस लैंड के बाद मुझे उसमें वहाँ पर कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा वहाँ कितनी सारी मशीन्स लगेगी रिलेटेड जिस तरह का मैनुफैक्चरिंग यूनिट या प्लांट मैं सोच रही हूँ अगर मुझे चलाना है तो वहाँ पे कैसी मशीनें लगेंगी ठीक है ये सब स्थापना के अंतर्गत आ रहा है फिर उन उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से एकदम कंप्लीट रिसोर्स यानी संसाधन से परिपूर्ण करने के लिए कितने वित्त की आवश्यकता होगी तो यहाँ पे स्थापना की बात हो रही है तो इस तरीके से ये एकदम क्लियर हम समझ सकते हैं कि वित्त जो है किसी भी व्यवसाय के स्थापना में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है या उसके क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है अगले बिंदु को देखते हैं अगला बिंदु जो आपकी स्क्रीन पर है वो इस तरीके से कहता है कि यह व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक है बिल्कुल हमने सारे सेटअप कर लिया सारा इंफ्रा डेवलप कर लिया आप चलाना है कैसे चलाएंगे रॉ मटेरियल चाहिए कच्चा माल चाहिए किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए साथ ही साथ अब इन मशीन्स को चलाने के लिए कौन चाहिए लोग चाहिए है ना एम्प्लॉयज़ चाहिए काम करने के लिए ठीक है अब आगे आने वाले और भी खर्चों के लिए हमें वित्त की आवश्यकता है अलग अलग तरीके खर्च आते हैं इन सबको सैलरीज भी देनी है है ना और बिजली का बिल आएगा वो भी देना है टैक्स भी पे करना है क्योंकि गवर्नमेंट अब इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया है तो आ, लोन लिया होगा खुद का फंड लगाया होगा है ना ठीक है और अगर मेरे साथ कोई काम करने के लिए आए होंगे जिन्होंने अपना फंड निवेश किया होगा उनको भी क्या करना है समय समय पर मुझे कुछ ना कुछ देना होगा अकॉर्डिंग टू जितना भी उनका परसेंट मिलता है तो यहाँ देखिए अब मैंने वित्त की स्थापना कर दी वहाँ मुझे वित्त की आवश्यकता हुई अब लेकिन वित्त की आवश्यकता अगेन मुझे आ रही है फिर से पड़ रही है जब मुझे इसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है ठीक है तो इस तरीके से हमने दूसरे बिंदु को समझा है आगे बढ़ते हैं तीसरे बिंदु को देखते हैं कि तीसरा बिंदु क्या कहता है तीसरा बिंदु कहता है कि यह व्यवसाय के आधुनिकरण एवं विस्तार के लिए आवश्यक है बिल्कुल सही बात है मैंने बताया कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट की थी सबसे पहले तो मैंने बताया कि मैंने छोटी दुकान खोली थी पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं ठीक है अब मैंने देखा कि अब चल रही है बिज़नेस हो गया अभी इतना सफिशेंट है लेकिन मैं देख रही हूँ अभी ठीक चल रहा था मेरा बिज़नेस लेकिन अब थोड़ा डाउन हो गया क्यों क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर्स यानी मेरे साथ वाले जो हैं वो प्रतियोगी कह सकते हैं उन्हें वो और भी कई कई चीज़ें ना रहे हैं मतलब अपने दुकान को अपडेट कर रहे हैं तो मुझे भी अपने स्टोर को अब अपडेट करना पड़ेगा तो उसके लिए भी मुझे आवश्यकता उसी तरीके से अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या ट्रेडिंग यूनिट की बात करें वहाँ पे अगर हमें अपडेशन की ज़रूरत है मशीनों में चेंजेस लाने हैं टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाने हैं तो वहाँ पे आधुनिकीकरण करना, करना है मतलब मॉडर्नाइजेशन करना है कुछ नई नई चीज़ें लाना इंफ्रा को सुंदर दिखाना प्लांटेशन करना है ग्रीनरी डेवलप करना है ठीक है साथ ही साथ साथ वहाँ जो सेटअप चल रहा है इंफ्रा में मशीनें लग रही हैं उनको रिपेयरिंग की ज़रूरत है सर्विसिंग की ज़रूरत है वहाँ पे सिस्टम पे जो वर्क चल रहा है उस सॉफ्टवेयर को अपडेशन की ज़रूरत है ठीक है तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं या जो खर्च है हम कह सकते हैं वो आते हैं जो व्यवसाय के आधुनिकीकरण में यानी जिसे हम इंग्लिश में मॉडर्नाइजेशन कहते हैं और विस्तार में यानी डेवलप में डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो इस तरीके से हमने इसका तीसरा बिंदु भी समझा है आइए इसके चौथे बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं और उससे भी समझने की कोशिश करते हैं चौथा बिंदु कहता है यह व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है बिल्कुल सही बात है व्यावसायिक अवसर आ, एक एग्जांपल से समझते हैं मान लीजिए अभी ऐसा समय चल रहा है कि हमें अगर हम ज़्यादा मात्रा में किसी उत्पाद को या मान लीजिए कच्चा माल को मैं ख़रीदती हूँ तो वो मुझे क्या मतलब कम रेट में मिलेगा तो उसके लिए मुझे वित्त की आवश्यकता है मार्केट में ये प्लान चल रहा है मार्केट में ये ऑफर है ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके घर में आपकी मम्मी जाती है शॉपिंग करने ठीक है उन्होंने देखा कि सेल लगी हुई है ठीक है तो कम रेट में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनको जो भी रिक्वायरमेंट चाहे साड़ी हो चाहे घर के इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो या फिर हो सकता है उनको एससरीज जो भी लगती हो तो अब उनके पास पैसे होंगे तब तो वो ख़रीद के लाएंगी ना ये छोटा सा एग्जांपल है आपकी डेली लाइफ से यही हम अगर हम बिज़नेस की बात करें तो अगर कोई कच्चा माल या कोई मशीनरी या कोई स्टॉक में ऐसा सामान है जो मेरे बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट है और वो अगर मैं ज़्यादा मात्रा में ख़रीदूँगी तो वो मुझे कम आ, रेट पे मिल जाएगा है ना उसको जैसा मुझे एक एक करके लेने में ज़्यादा कॉस्ट पड़ता था ठीक है ज़्यादा प्राइस देना पड़ता था ज़्यादा कीमत देनी पड़ती थी लेकिन अगर मैं उसको स्टॉक में या बहुत सारे एक साथ ले लूँगी ख़रीद लूँगी तो वो मुझे कम कीमत पर मिल जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है हम कह सकते हैं ये जो अवसर जो मुझे मिला है है ना शुभ अवसर कह सकते हैं हम इसको ये जो व्यावसायिक शुभ अवसर मुझे मिला है कि कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट में खरीद सकती हूँ ज्यादा मात्रा में इसके लिए मेरे पास वित्त उपलब्ध होना चाहिए तो यह है आपका चौथा वित्त का महत्व पांचवा जानते हैं और इसे हम स्क्रीन पर देखते हैं अगला कहता है कि यह मंदी काल के लिए आवश्यक है बिल्कुल सही बात है मंदी काल के लिए वित्त बहुत आवश्यक है अगर अगर हम एग्जाम्पल लें ऐसा कई समय आते हैं जब बिजनेस जो है बहुत आ, लो चला जाता है वहाँ पे अगर आपके बिज़नेस को संभालने के लिए एक्यूरेट या प्रॉपर फाइनेंस या आ, कह सकते हैं आपकी व्यवस्था अर्थव्यवस्था अगर कमज़ोर होगी है ना आर्थिक रूप से आप कमज़ोर होंगे तो आपका बिज़नेस डूब जाएगा लेकिन यहीं पे अगर हम कहें कि उस स्थिति में अगर आप अपने पास के फ़ंड से या कहीं से फ़ंड अरेंज करके उस समय अगर अपने व्यवसाय को कुछ दिन खींच लिए जब तक मंदी काल है ठीक है और उसके बाद दिन अपने आप चेंज होते हैं ठीक है तो उस समय तक अगर लिए संभाल के चला लिए तो आपका व्यवसाय रोल ऑन हो जाएगा लेकिन यहीं अगर आपके पास वित्त की कमी है तो आपका व्यवसाय वहीं बंद हो जाएगा जैसे कि आपने अगर ऑब्ज़र्व किया होगा तो कोविड पीरियड में आपने देखा बहुत सारे लोगों के बिज़नेस जो हैं क्योंकि उस समय पैसों का रोटेशन नहीं हो रहा था है ना तो उस समय क्या हो गया था लोगों के पास जो है रोटेशन न होने के पास बिजनेस लोगों के बंद होने लग गए थे ठीक है तो आ, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह मंदी काल के लिए आवश्यक है अंतिम बिंदु देखते हैं वित्त के महत्व की जो ये कहता है यह साग बढ़ाने के लिए आवश्यक है बिल्कुल जैसे कि आप इसको छोटे से एग्जांपल से दे सकते हैं आप कहीं गए किसी दुकान पर आपने शॉपिंग की और तुरंत पेमेंट कर दी ठीक है उससे क्या वो दुकानदार वाला खुश हो गया अरे भाई क्या बात है इतना सारा प्रोडक्ट लिया इतना सारी चीजें खरीदी और तुरंत पेमेंट हो गया कोई उधार की बात ही नहीं तो आपकी साख क्या हुई मतलब आपकी जो इमेज है हम कह सकते हैं बहुत अच्छी बन गई कि नहीं ये कस्टमर बहुत अच्छा है अगर कभी एक आध बार इसको उधार देना भी पड़ा तो हम इस पर क्या कर सकते हैं विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये पेमेंट तुरंत कर देता है तो यही साख की बात होती है यही आपकी इमेज की बात है यही व्यवसाय की इमेज की बात है कि अगर उसके पास जितना वित्त चाहिए उतना वित्त है जिसे वो आवश्यकता पड़ने पर है ना व्यवसाय के समय खर्च कर सकता है तो वहाँ पर उसकी साख बनी रहती है और इस साख को मेंटेन करने के लिए क्या होगा वित्त के महत्व को हम समझ सकते हैं तो बच्चों इस तरीके से हमने व्यावसायिक में वित्त के, के महत्व को जाना है और समझा है आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जो अपना अगला टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वित्त की आवश्यकताएं है क्या हैं Uh, अगर हम शॉर्ट में कह, न, कहें तो वित्त की है अगर आप अपने बेसिस पे डेली एग्जाम्पल्स से देखें तो दैनिक जीवन में आप कहाँ कहाँ वित्त की आवश्यकता महसूस करते हैं चलिए हम इसको तीन भागों में तोड़ लेते हैं ठीक है अब उसमें कुछ ऐसे खर्च आते हैं जिसमें हमें कम पैसे लगते हैं और यह हम किसे कह सकते हैं रोज़मर्रा के खर्च है ना तो इसमें छोटा अमाउंट आता है ठीक है फिर थोड़े बड़े लेते हैं कि हमने फ्रिज लेना है टीवी लेना है ठीक है या हम कह सकते हैं घर को रिनोवेट करना है ठीक है तो ये हमारा मध्यकालीन खर्च कह सकते हैं थोड़ा ज़्यादा फंड लग रहा है इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग रहा है फिर हम आते हैं कि हमने एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या हमें कोई घर खरीदना है तो ये हमारा हो गया एक अलग लेवल का खर्च हो गया तो वित्त की आवश्यकता हमारे एक्सपेंसेस पे और उसके ड्यूरेशन पे मतलब कितने वित्त की आवश्यकता कितना खर्च होगा उस पर और साथ ही साथ वो कितने समय के लिए चाहिए उस पर डिपेंड करता है आइए देखते हैं वित्त की आवश्यकताओं को समझते हैं आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जो वित्त की आवश्यकताएं हैं वो तीन भागों में भक्त की गई हैं पहला है दीर्घकालीन वित्त फिर है मध्यकालीन वित्त और तीसरा है अल्पकालीन वित्त अब हम दीर्घकालीन वित्त से समझने की कोशिश करते हैं दीर्घकालीन वित्त क्या होंगे जो दीर्घकाल के लिए होंगे जिसमें हम लंबी अवधि के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होगी ठीक है तो हम इसे कह सकते हैं फिक्स्ड कैपिटल अब आपका सवाल होगा मैम इसमें हम किन किन चीज़ों को ले हाँ जिससे हम दीर्घकालीन वित्त को समझ सकें तो बिल्कुल सही बात है आप इसमें ले सकते हैं जब हम किसी बिजनेस की स्थापना करते हैं तो हमें भूमि की आवश्यकता होती है मशीनों की आवश्यकता होती है फर्नीचर की आवश्यकता होती है गाड़ियों की ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है तो ये सब जो एक्सपेंसेस हैं बड़े बड़े और लंबे समय तक चलने वाले एक्सपेंसेस हैं है ना? और इनको निपटाने के लिए हमें बहुत लंबा समय लगता है तो ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं है, है ना? ये खर्च जो हैं हम दीर्घकालीन वित्त में रखते हैं और इसमें जो फंड यूज़ होता है या इस तरीके के खर्च को हम फिक्स कैपिटल कहते हैं ठीक है और इसमें जो ड्यूरेशन होता है ना कि कितने स, कितना समय लगता है इस तरीके के वित्त के लिए हमें 10 से 25 वर्ष तक की अवधि इसमें ली जाती है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मध्यकालीन वित्त को जो इसका दूसरा आवश्यकता कही जाती है मध्यकालीन वित्त क्या होते हैं आप देख रहे हैं कि जो मध्यकालीन वित्त है वो दीर्घकालीन और साथ ही साथ अल्पकालीन के बीच में कहीं है है ना तो मतलब इसे स्पष्ट है कि ये जो खर्च होगा इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा और ये जो खर्च होगा आ, इसमें ऐसे खर्च इंक्लूड होंगे जिसमें कि समय भी इन दोनों के बीच का ही कहीं होगा तो अगर हम देखें जैसे मैंने कहा दीर्घकालीन वित्त में हम फिक्स्ड कैपिटल यूज़ करते हैं तो अगर हम मध्यकालीन वित्त की बात करें तो इसमें हम जो है वो वर्किंग कैपिटल का यूज़ करेंगे ठीक है जैसे हम हिंदी में कहते हैं चल पूंजी अब इसमें अवधि की बात करें तो इसमें जो अवधि होती है वो दो से पाँच वर्ष तक की होती है अब मैडम ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है सवाल ये है तो बिल्कुल अगर हमें व्यवसाय का आधुनिकरण यानी मॉडर्नाइजेशन करना है ठीक है अपडेशन करना है अपडेशन मतलब कुछ नया करना है ठीक है नवीन उत्पादों को प्रस्तुत करना है या उसको उत्पादन प्रारंभ करना है या उसका परिचय कराना है या दीर्घकालीन विज्ञापन हमको एक प्लान करना है वो खर्च एक प्लान कर रहे हैं ठीक है थीके? तो इस तरीके के एक्सपेंसेस के लिए हमें जो है वो मध्यकालीन जो है वित्त की आवश्यकता होती है फिर तीसरे बिंदु की ओर चलते हैं जिसे हम अल्पकालीन वित्त कहते हैं अब जैसे कि आपको नाम से ही स्पष्ट है ये कम समय तक के लिए होता है तो इसकी अवधि क्या होनी चाहिए बच्चों एक वर्ष या फिर उससे कम होनी चाहिए बिल्कुल सही बात है और ये क्या होता है दैनिक कार्यों के लिए इनकी आवश्यकता होती है इसमें भी हम वर्किंग कैपिटल ले सकते हैं जैसे कि हमको माल चाहिए उसका उसकी खरीदी करनी है साथ ही साथ मजदूरी देना है भाड़ा देना है किराया देना है इन सभी खर्चों को हम जो है वो अल्पकालीन वित्त के अंदर इंक्लूड करते हैं तो इस तरीके से हमने देखा कि जो वित्त की आवश्यकताएं हैं वो तीन प्रकार से विभक्त होती हैं पहला है दीर्घकालीन फिर है मध्यकालीन और है अल्पकालीन जो दीर्घकालीन होता है उसमें फिक्स कैपिटल यूज़ होता है जो कि 10 से 25 वर्ष तक के लिए होता है जो मध्यकालीन होता है वो है जिसमें वर्किंग कैपिटल यूज़ होता है और इसमें जो है अवधि होती है दो से पाँच वर्ष तक की और अल्पकालीन में अगर हम देखें तो इसमें भी वर्किंग कैपिटल यूज़ होता है लेकिन ये कम समय के लिए होते हैं इसीलिए इसमें जो ड्यूरेशन या अवधि हम लेते हैं वो एक वर्ष या उससे कम की लेते हैं तो इस तरीके से हमने वित्तीय आवश्यकताओं को जाना है और समझा है आगे हम देखते हैं आप स्क्रीन पर इनके स्रोत को भी देख रहे हैं आगे हम इस चैप्टर में इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे फिलहाल इस चार्ट को आप देख लीजिए और समझ लीजिए ये आपको आपके आंसर्स को लिखने में मदद करेंगे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्यावसायिक वित्त के स्रोत क्या ये हमारा मेन मुद्दा है इस चैप्टर का नाम ही है व्यावसायिक वित्त के स्रोत अब हम मेन मुद्दे पे आए हैं तो व्यावसायिक वित्त को हमने जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं वो दो भागों में बांटा है एक जो है स्वामित्व कोष होता है एक ऋण कोष होता है स्वामित्व कोष यानी ओनर फंड ठीक है और ऋण कोष यानी बोरोड फंड ठीक है स्वामी का स्वामित्व तो कोट जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें क्या होता है स्वामी का ही फंड लगा होता है मतलब मान लीजिए मैंने कोई व्यवसाय प्रारंभ किया है और मैं उस व्यवसाय का की स्वामी हूँ तो इसमें मेरा मैंने फंड लगाया है ठीक है मैंने कहीं से बोरो नहीं किया अब इसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा उसको कौन बियर करेगा मैं प्रॉफिट होता है तो वो भी मुझे जाएगा और अगर किसी प्रकार की हानि होती है तो वो वो मैं ही सहन करूँगी ठीक है तो ये स्वामित्व तो कोष होता है ऋण कोष क्या होता है जब हम किसी बैंक से बोरो करते हैं या शेयर्स या किसी से पैसे उधार लेते हैं तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं ऋण कोष के अंदर डालते हैं आगे बढ़ते हैं और स्वामित्व कोष में हम देखते हैं स्वामित्व कोष को हम पहले डिटेल में जानेंगे तो स्वामित्व कोष को आप तीन भागों में विभक्त होते हुए देखते हैं जिसमें पहला आता है समता अथवा साधारण अंश फिर दूसरा आता है पूर्वाधिकार अंश फिर तीसरा आता है लाभों का पुनर्नियोजन तो आइए हम प्रारंभ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अंश सबसे बड़ी बात होते हैं क्या आपने सुना होगा कई बार सुना होगा कि शेयर्स जो हैं वो बिक रहे हैं शेयर गिर गया है शेयर उड़ गया है शेयर है क्या जो गिरा है और उठा है आइए जानते हैं अब हम अगर बात करें तो किसी कंपनी का जो पूरा मूल्य होता है ठीक है कि जितने की भी कंपनी पूरा मूल्य उस पूरे मूल्य को छोटे छोटे भागों में वक्त किया जाता है ठीक है मान लीजिए ये एक सर्कल है अब इस सर्कल को हम छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर देते हैं ठीक है मान लीजिए ये जो सर, ये जो पूरा सर्कल है या एक आ, हम एक काम करते हैं स्क्वायर ले लेते हैं ठीक है या एक रेक्टेंगल ले लेते हैं अब इस स्क्वायर या रेक्टेंगल आपने व्यवसाय को जो भी शेप दिया है अपने अनुसार उस शेप के अनुसार हम उसको छोटे छोटे भागों में विभक्त कर देते हैं ठीक है अब ये जो पूरा विभक्तिकरण है ये विभक्त होगा ये एक इकाई के रूप में काम करेगा ठीक है इसे ही हम क्या कहेंगे शेयर कहेंगे या अंश कहेंगे अगर हम सिंपल भाषा में या साधारण भाषा में अंश को समझें तो अंश से अभिप्राय है ये वो अंश वह होते हैं जो कंपनी में जो अंशधारी होते हैं उनके हित को मापने की इकाई होती है ये ठीक है अगर आपने सुना होगा तो इतने परसेंट शेयर उनके पास हैं या हम कह सकते हैं किसी कंपनी के इतने शेयर्स दूसरी कंपनी ने खरीदे मतलब क्या हुआ कि वो इतने शेयर्स का मालिक बन गया आपने ये सुना है ठीक है तो इस तरीके से हम यह इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो कंपनी के जो समस्त मूल्य होता है उसकी जो छोटी छोटी इकाइयों में जब विभक्त किया जाता है उसे और उसकी प्रत्येक एक इकाई को अंश या शेयर कहा जाता है आइए इसे और अच्छी तरीके से परिभाषा के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं आ, प्रोफेसर एस एन डी पी योगम ने जो परिभाषा दी है उन्होंने बहुत एक शॉर्ट एंड स्वीट सा एक डेफिनेशन दिया है उनके अनुसार अंश का आशय कंपनी की पूंजी में एक भाग से है अगर हम विशेषताओं पर इसकी जाएं तो और इसे विशेषताओं के माध्यम से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो विशेषताएं है, कुछ इस प्रकार हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहली विशेषता कहती है अंश कंपनी की पूंजी को विभिन्न भागों में व्यक्त करने की बनाई जाती है ठीक है तो अंश जो है कंपनी की जो पूंजी होती है उसको विभिन्न भागों में विभक्त करके बनाई जाती है और दूसरी इन अंशों के धारकों को अंशधारी कहते हैं जो इन अंशों को धारण करते हैं या खरीदते हैं उन्हें अंशधारी या शेयर होल्डर्स कहते हैं साथ ही साथ यह अंशधारियों के हितों को मापने की इकाई होती है इनके द्वारा हम क्या प्रॉफिट्स हो रहे हैं शेयर होल्डर्स को वो मेजर कर सकते हैं या माप सकते हैं और अंश पूंजी कंपनी के लिए दीर्घकालीन स्वभाव की होती है ये इसका दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म ये बेस्ड होती है ठीक है ये शॉर्ट टर्म नहीं होती ये लॉन्ग टर्म बेस्ड होती है और पांचवी जो इसकी विशेषता है वह कहती है कि अंश पूंजी प्राप्ति का एक स्थायी साधन है और अंतिम बिंदु इसका कहता है कि अंश पूंजी जो है वो दो भागों में वक्त होती है पहला है समता अंश और दूसरा है पूर्वाधिकार अंश इन दोनों भेदों को हम डिटेल में अब समझेंगे और आगे समझेंगे जिसे हम समता अंश और पूर्वाधिकार अंश कहते हैं समता अंश से आइए प्रारंभ करते हैं जैसे हम इक्विटी शेयर कहते हैं